हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से आपके लिए एक समर वीडियो लेके आई हूं। ये मैंने इयररिंग क्रोशेट किया है। मैंने इसको 100% कॉटन थ्रेड से बनाया है, 100% कॉटन यार्न से। आप चाहें तो इसे कॉटन मर्सराइज थ्रेड से भी बना सकते हैं, एंकर थ्रेड से भी बना सकते हैं और वूल से भी बना सकते हैं। इस ईयरिंग के लिए सबसे पहले मैं धागा लेके एक लूप बनाऊंगी। इस तरीके से, और फिर इस चेन 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 चेन्स बना के स्टार्टिंग के चेन से मैं इसको स्लिप स्टिच के थ्रू, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं, ऐसे जॉइंट कर दूंगी। अब मैं इस रिंग में सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, टोटल 16, इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशेट। 2 बना लिया मैंने, 3, 4, 5, 6, बेसिकली हम इस रिंग को कवर कर रहे हैं। 7, 14, और देखिए हमारा धागा भी छुपता गया है क्योंकि मैंने चेन के साथ लगा लिया था। 15 एंड 16, 16 सिंगल क्रोशेट से एक कम्प्लीटली कवर हो गया है। अब मैं स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप से स्लिप स्टिच बनाऊंगी इस तरीके से। कंप्लीटली पुल आउट कर लेंगे और इस धागे को पहले कट कर लेते हैं। इस धागे को हाइड कर लेंगे पीछे। इस एंडिंग के थ्रेड को जो है हम इस रिंग में ही हाइड कर लेंगे, इसी में घुमाते हुए हाइड करते जाएंगे। रिंग हमारा फिनिश हो गया है, लूज थ्रेड भी फिनिश हो गए हैं। अब हम टेसल्स को कट करेंगे। हम 6-6 इंचेस के धागे कट कर लेंगे। ऐसे नाप के 6-6 इंचेस के टोटल 7 थ्रेड्स को कट कर लेंगे। ये मैंने टोटल 7 थ्रेड्स जो हैं कट कर लिए हैं 6 इंचेस के। अब इनमें से एक एक धागे को लूँगी ऐसे मोड़ के, और कहीं पे भी इसके क्या बोलते हैं रिंग के बैक साइड से हुक को डालूँगी। ये बैक है, बैक साइड से हुक को डालते हुए पुल करूंगी और इस तरीके से अटैच करती जाऊंगी। सभी धागों को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सभी 7 थ्रेड्स को एक एक चेन में अटैच करते जाएंगे। मैंने सभी 7 थ्रेड्स को अटैच कर दिया है। अब हम इसको कॉम्ब करेंगे। पहले बॉटम से कॉम्ब करना शुरू करें, बॉटम से करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ें। ये देखिए थ्रेड्स खुलने लगे हैं।
कॉम्ब करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो है एकदम से कट ना करें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कट करते जाएं ताकि आपको शेप धीरे धीरे क्लियर हो जाए। पहले हम साइड से करेंगे, ऐसे यहाँ से साइड से करेंगे। कट करने के बाद इस टेसल्स को जितना छोटा या लंबा रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरीके के बीट लेंगे, मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और पतले धागे से ये टेसल के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर जो है इसको अटैच करें बीट्स को। पहले मैं धागा अटैच कर लेती हूँ। इस तरीके से अटैच करते जाएं हर टेसल के ऊपर। बहुत ही बारीक बीट्स लगा रही हूँ मैं, आप चाहें तो थोड़े से मोटे भी लगा सकते हैं। मैंने बीट्स लगा लिए हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं इसमें अपने ये हुक लूँगी, ये मेरे वैसे तो पुराने इयररिंग का हुक है जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो उसका मैंने हुक निकाल लिया। इसको मैं अपने दांत से ही टाइट कर लूँगी। और अब ये हमारा ईयरिंग रेडी है। आप इसको जितना लंबा जितना छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो देखें। मेरे आगे भी समर वीडियोस आते रहेंगे तो प्लीज़ देखना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।